nation. Nitrates and carbonates of group secondary elements. अच्छा बेटा, इस ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स इनसे तो वाकिफ हो चुके हैं ना? यस सर। तो बेटे आपको पता है ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मल्टी ग्रुप बी है ना, बी बात जो सेकंड ए ये बेटे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? ब्रिलियम, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, गैस कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, शाबाश, बेरियम एंड रेडियम। ये बेटे हमारे पास है सेकंड दो पे सेकंड एलिमेंट। इसमें बेटे जो ब्रिलियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। 4 शाबाश। मैग्नीशियम का 12। 12 कैल्शियम का 20। 20 स्ट्रॉन्शियम का 30। 30 बेरियम 58। 56 बेटे रेडियम का 86। अच्छा, इसका बेटे सिंपल सा फार्मूला ये याद रखा करें, इसमें 8 ऐड कर लें, फिर 8 करें, फिर 18, फिर 18, फिर 32, ठीक है? इससे बेटे इनका टॉपिक नंबर आ जाता है। अच्छा, अब ये बेटे आपको पता है किस पीरियड में होता है? इसका पीरियड होता है सेकंड। शाबाश, इसका फिर सेकंड पीरियड है। इसका थर्ड, इसका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेवन पीरियड होते हैं। अच्छा, अब बेटे जो पीरियड है ये क्या जाहिर करता है? बेटे भाई का क्या नाम है? इरफान। इरफान भाई, इरफान बेटे आप बताओ ये पीरियड नंबर क्या जाहिर करता है? पीरियड नंबर सर नहीं, हां काम नंबर ट्रेंड सर ग्रोथ। तो बेटे पीरियड नंबर किस बच्चे को पता क्या जाहिर करता है? पीरियडिक टेबल जीरो सर, वो तो ठीक है लेकिन ग्रोथ के इक्विपमेंट सर। हां शाबाश, ये क्या जाहिर करेगा? ये इसका थ्री पीरियड है तो ये मैग्नीशियम के बारे में क्या बता रहा है? मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में बेटे, ये देखो जरा मैग्नीशियम किस पीरियड में? थर्ड पीरियड। ये क्या बता रहा है थर्ड पीरियड? ये सर थर्ड पीरियड, इसके ऑर्बिट्स तीन है, तीन ऑर्बिट्स। पीरियड क्या बताता है बेटे? ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तीन ऑर्बिट्स इसके। इसी तरह से इसका पीरियड 7 है तो ये क्या बता रहा है? जस्ट 7 ऑर्बिट्स है, 7 ऑर्बिट्स। ठीक, शाबाश। अच्छा, आप बेटे इनके नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स हमने वो पढ़ लिया। पहले हम देखते हैं बेटे इनके नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स बेटे क्या होते हैं? जिसके अंदर बेटे NO3 ग्रुप लगा होता है। यस सर। नाइट्रेट क्या होता है? NO3। NO3 ग्रुप को बेटे नाइट्रेट कहते हैं। और कार्बोनेट किसको कहते हैं? CO3। शाबाश, कार्बोनेट कहते हैं बेटे CO3 ग्रुप को। यानी जब इनके साथ CO3 ग्रुप लगा होगा तो कहेंगे ये कार्बोनेट रहेंगे, जब NO3 लगा होगा तो क्या कहेंगे? ये नाइट्रेट है। अच्छा, अब बेटे ब्रेलियम के साथ हम नाइट्रेट ग्रुप लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा ब्रेलियम नाइट्रेट, नाइट्रेट ऐसे। अब ये यहाँ बेटे मैंने कुछ नहीं लगाया, यहाँ 2 ग्रुप लगाया। ये असल में ब्रेलियम के लिए जितने हमारे पास ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स है ना, इनकी वैलेंसी क्या होती है? 2। तो इनकी वैलेंसी जो है वो बेटे दूसरे के नीचे आ जाती होती है। यस सर। नाइट्रेट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है तो वो इसके साथ आ जाती है। यस सर। इसी तरह हम बेटे इनके साथ करेंगे। इसी तरह बेटे मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा। अच्छा बेटे, दिखने चलना शुरू हो गया टाइमिंग? यस सर। फोकस भी दिखने ठीक है? यस। इसी तरह बेटे कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, रेडियम नाइट्रेट। समझाएं बेटे इस चीज की? अच्छा, अब बेटे कार्बोनेट जब इनके साथ लगेगा क्या बन जाएगा तेरी बेटे? ब्रिलियम कार्बोनेट, ब्रिलियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। मेरे बेटे आप बातें करेंगे तो समझ नहीं आएगी बात। यस सर। इधर इधर आप इतने शरीफ बच्चे हैं और फोकस करो, बातें नहीं करेंगे। अच्छा बेटे, ये जो रेडियम है इसको बेटे हमारी बुक स्टडी नहीं डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं।
बेरियम का हमारे को फिर डिस्कस करने के एलिमेंट्स होता है। अच्छा अभी जो समझ आ गई कि नाइट्रेट्स की और कार्बोनेट्स की, यस सर, अभी और चीज देखें कि यहां कार्बोनेट के साथ मैंने इस तरह का 2 नहीं लिखा, इसकी क्या वजह है? कार्बोनेट के साथ रेडंडेंसी है -3 2 माइनस हो और इनकी 2 प्लस होती है 2 प्लस, यस सर, 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो जाते हैं, इनके साथ कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। अब बेटे हम पढ़ने लगे हैं इनसॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल का बेटे क्या मतलब है? आग का हीट, शाबाश, मैंने बताया था बेटे आप जो है ना घर में चाय चुपते हैं थर्मस के अंदर, तो ये थर्मस उसी से निकला है, थर्मल जो चीज को गर्म रखती है थर्मस उसको कहते हैं। तो थर्मल का मतलब है कि इनको अगर हम हीट करें तो इनका क्या बिहेवियर होता है? यस सर, हीट करने में क्या बिहेवियर होता है? अब हम देखते हैं बेटे कि ब्रेलियम नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, नाइट्रेट को हीट करते हैं, ये बेटे ये जो ट्रायंगल मैंने डाल दिया ये इसलिए हीट के लिए, सर क्रिस्टल में ये हीट को जाएगा, ऐसा हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या करेगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट के बेटे एक ये ब्रेलियम ऑक्साइड बना देगा, ब्रेलियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है बेटे, और साथ ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना देगा, यस सर, और साथ आपके पास ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। अच्छा ये बेटे बाकी के जो जितने नाइट्रेट हैं वो भी यही काम करते हैं, यस सर, समझे? यस। अच्छा इसके बाद बेटे कार्बोनेट है, इनको हम हीट करें तो ये क्या करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल इसकी भी बेटे ब्रेलियम की देता हूँ, ब्रेलियम कार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में होता है बेटे, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? ब्रेलियम का ऑक्साइड बनता है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये टूट जाता है, ब्रेलियम ऑक्साइड, ब्रेलियम ऑक्साइड प्लस साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी समझ आ गई? यस सर। बाकी भी ये जितने कार्बोनेट है बेटे के वाले वो भी यही काम करते हैं, यस सर, अपना ऑक्साइड बनाते हैं साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यस सर, इसी टर्म का ट्रेंड। हां अब ट्रेंड रह गया, ठीक है, अब ट्रेंड से क्या मुराद है? इरफान आप बताओ बेटे, अब हमने ये देखना है कि जो है हीट का इफेक्ट इन पे क्या होता है। आपको याद होगा पिछली एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ये है जो आयन बनते हैं जब हम ग्रुप वन में पढ़ रहे थे, तो उस वक्त मैंने बताया था कि इनकी जो है ना आपके पास ये न्यूक्लियस है बेटे, तो ये पहला ऑर्बिट और ये दूसरा, अच्छा इसके बेटे 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में 2 आ गए और दूसरे में 2 आ गए। अच्छा अब इसी तरह बेटे इसका होता है, इसके जो है कितने ऑर्बिट होते हैं? 3 अच्छा अब बेटे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि इनका साइज एटमों का बढ़ रहा है, यस सर, ठीक है, और अगर बेटे इनके आयन हम बनाते हैं, आयन कैसे बनता है? आयन बेटे ऐसे बनता है, ये ब्रेलियम का एटम है, इसको बेटे हम जब हीट देते हैं तो इसके लिए जो बाहर वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं ये निकल जाते हैं, ये जंप कर जाते हैं, तो ये बन जाता है ब्रेलियम का आयन, ऊपर 2 प्लस आ जाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके खारिज हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को निकालने के बाद इसके पास कितने ऑर्बिट रह गए? एक रह गया, और साथ इसके पास चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव 2 प्लस। अब बेटे ब्रेलियम का इतना सा बेटे जो है इस पे 2 प्लस का चार्ज है, इतने छोटे से इसे, लेकिन जब यही बेटे काम बेरियम करता है, बेरियम के बेटे अपने इलेक्ट्रॉन इसी तरह हीट लेके
बेरियम आयन बनाता है 2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। अब बेरियम बेरियम में मेटल इतना ही चार्ज आता है, कितना 2 प्लस, लेकिन इसका ये जो 2 प्लस चार्ज है ये मेटल इस सारे हिस्से पे फैला हुआ है, इस सारे हिस्से पे फैला हुआ है। अब इतना थोड़ा सा चार्ज इतने ज्यादा हिस्से पे जब फैला होता है तो इसकी पावर कम हो जाती है। यस सर। और वही थोड़ा सा चार्ज जब इतने थोड़े से हिस्से पे होता है तो उसकी पावर ज्यादा होती है। यानी एक मतलब जो है आप इससे ये नहीं समझ रहे कि जो है मतलब ये छोटी चीज के ऊपर भी उतना ही चार्ज हो तो उसकी पावर ज्यादा है, और अगर वही चार्ज एक बड़ी चीज के ऊपर हो तो उसकी पावर कम है। ये मैंने अपने रीजन याद रखनी है जिस वजह से ये जो इसकी इसको खींचने की पावर है इलेक्ट्रॉनों को वो बढ़ जाती है। और ये जो नाइट्रेट का बेटे इस तरह से नाइट्रेट होता है, ये तीन ऑक्सीजन के एटम जो है इसके साथ इस तरह अटैच होते हैं, और जब ब्रेलियम एटम बेटे 2 प्लस चार्ज के साथ इसके करीब आता है तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का इसके ऊपर बेटे जो एक ओवरऑल नाइट्रेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है 1- का, इसको खींचता है अपनी तरफ, अपनी तरफ जब खींचता है तो बेटे ये जो बॉन्ड है इसको वीक कर देता, तोड़ देता, जबकि इनकी बड़े साइज की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ने की पावर इनकी कम होती है। ये बेटे असल चीज है जिस वजह से जो ऊपर वाले बेटे ये आपके पास एलिमेंट्स हैं इनकी थर्मल जो डिकम्पोजिशन की पावर है वो कम है, यानी ये पहले ही इसने इस बॉन्ड को वीक किया होता है, थोड़ी सी हीट दे तो ये इस बॉन्ड को तोड़ लेता है। लेकिन इनकी बेटे जो इन इस नेगेटिव चार्ज को खींचने की पावर है वो कम है, तो इसको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है वो तोड़ने के लिए बॉन्ड। इस वजह से जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इनकी जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो इंक्रीज होती है। हाँ, इनकी जो बेटे जो एनर्जी हम इनको देते हैं वो तो इंक्रीज करती है, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी ये कम स्टेबल होते हैं इनको थोड़ी एनर्जी देके हम तोड़ लेते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं इनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिहाज से हम कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। कम स्टेबल, तो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी डाउन आते हुए इंक्रीज होती है, जबकि जो हमें पावर देनी पड़ती है इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वो नीचे आते हुए इंक्रीज इंक्रीज होती है। ये बेटे इसका ट्रेंड है। तो अगर बेटे को ये नई क्वेश्चन ये समझनी है तो आप चीज पूछ सकते हैं इसमें। यही हाल बेटे कार्बोनेट आयन का होता है, यानी जो कार्बोनेट आयन है बेटे उसके साथ भी तीन ऑक्सीजन लगे होते हैं, तो वो भी कैसे होता है। yes. इस पे ऊपर आकर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और जब जो है 2 प्लस इसके पास बेटे इनका एलिमेंट आता है इनका एटम आता है तो वो इस इलेक्ट्रॉन के जो पावर को वो अपनी तरफ खींचता है, तो लिहाजा ये बॉन्ड भी कर देता है और एट लास्ट इसको तोड़ देता है। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है इसको आराम से तोड़ देता है, जबकि ये बहुत बड़े साइज होने की वजह से इसकी इस बॉन्ड को तोड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है, इनकी पावर कम होती है, तो इस वजह से बेटे ये ज्यादा स्टेबल होते हैं और ये जो ऊपर वाले हैं ये कम स्टेबल होते हैं। ठीक, अगर ये बेटे चीज क्लियर हो गई है तो इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है हाउ ब्रेलियम डिफर्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप। लेट्स इसको रेज करें, पेज बेटे 29
है इसके पास। अच्छा बेटे आगे वाला टॉपिक है हाउ differs from other members of its group. Of its group. अच्छा आप बेटे अब हम पढ़ने लगे हैं कि ब्रिलियम का मेरे बेटे इरफान अपने इधर मेरे पास आ गए पढ़ने लगे हैं कि ब्रिलियम का जो बेटे एलिमेंट है ये अपने दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है। ठीक है उसमें बेटे एक को आपने देखा था कि इसका साइज सबसे छोटा और इसका जो वेट है वो भी सबसे छोटा। एक बेटे ये रीजन है कि इसका साइज और वेट ये दोनों जो है स्मॉल स्मॉल है। ये बेटे एक रीजन है इसके अपने ग्रुप से डिफरेंट होने की। दूसरी रीजन है बेटे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी बेटे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो है 1.57 जबकि जो दूसरे इसके बेटे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है बाकी भी कम है इसकी सबसे ज्यादा क्योंकि ये सबसे छोटा है लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा। ठीक है ये बेटे एक इसकी खास इस वजह से ये क्या करता है ये जो है दूसरे जो बेटे पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे एटम्स के साथ जो बना रहा है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यस सर छोटे बेटे आपका क्या नाम है आदर्श आदर्श बेटे आम मसला नाम भी आपका बहुत प्यारा है आदर्श का क्या मतलब होता है आदर्श फिजा है फिजा नहीं आदर्श का क्या मतलब होता है आर आर फिजा जो होती है ये यू यू आर ये साहब से आ सा क्या सब ये फिजा से जो फिजा बस आदर्श का भाई के पास आदर्श को ठक लग गए सब सब लाइट आगे देखो बेटे देखो एक्टिविटी। ठीक है इसके बाद बेटे इसकी और जो खास चीज है वो ये है कि इसका बेटे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इसकी वैल्यूज जो है बेटे कम है सबसे ज्यादा है इसकी वैल्यूज मेल्टिंग अब याद करें इसकी बेटे जो हमने पढ़ी है इनकी प्रॉपर्टीज है इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा हाँ वो बेटे ज्यादा होते हैं। इसके बाद बेटे और इसकी जो डिफरेंट क्वालिटीज हैं बाकियों की निस्बत वो ये है कि ये बेटे कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है आमतौर पे कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड्स